जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, सबसे पहले परीक्षार्थियों को जिनकी आज से परीक्षाएं स्टार्ट है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से दिशा निर्देश हैं वो भी मैं बता देता हूं कि आपके आज से एग्जाम स्टार्ट है जो कि चार पालियों में है। अब उनके लिए क्या दिशा निर्देश है? सबसे पहला है कि आपको बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि आपको मास्क पहन के जाना है। दूसरा है, आपकी एक छोटी सी सैनिटाइजर की बोतल आपको साथ में कैरी करनी है। दूसरा है, पानी की बोतल भी आपको लेके जानी है, अपनी पानी की बोतल आप लेकर जाएंगे। जो चौथा है आपका, वो है आपका जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये चार चीजें आपकी होनी चाहिए, बिना इनके आपकी एंट्री नहीं मिलेगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन का कार्ड वगैरह ये सब सारी चीजें नहीं, वो आपका जरूरी नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ, इन चार चीजों को आपके पास वो होनी चाहिए। बिना मास्क के तो एंट्री होनी ही नहीं है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए साथियों, बात करते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं जो बच्चे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके बारे में। तो जो बच्चे सबसे ज्यादा परेशान है वो परेशान है अपने रिजल्ट को लेकर। कह रहे थे सर, आपने बताया था कि इस वीक में रिजल्ट आ जाएगा, इस वीक में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अलग अलग कोर्सेज के लिए बच्चे परेशान है। तो साथियों, जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होना स्टार्ट हो गया है, और हो सकता है आज भी, क्योंकि मार्क्स अपलोड हो रहे थे कल भी और आज भी, तो हो सकता है आज दो से तीन कोर्स के मार्क्स अपलोड हो जाएं और आज से आपका रिजल्ट हो, तीन से चार कोर्सेज का रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया जाए। यानी कि आपका तीन से चार कोर्सेज का रिजल्ट हो सकता है आज डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर, तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो रिजल्ट है इसी वीक में आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि सैटरडे तक जो आपके मैक्सिमम कोर्सेज का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो हमारे ऑड सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे। आगे है, कुछ बच्चे बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पूछ रहे थे कि बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की डेट आगे बढ़ी है क्या या अभी नहीं बढ़ी है। तो जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है अभी आपकी 18 जुलाई ही है, और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो आपके एडमिट कार्ड है वो भी एक से दो दिन में जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि अभी आपकी डेट नहीं बढ़ी है, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होना है वो 18 जुलाई को ही होना है। और यदि कोई अपडेट आती भी है तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। तो अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि आपकी डेट आगे बढ़ गई है या यूनिवर्सिटी की तरफ से, यानी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराती है एंट्रेंस एग्जाम, उसकी तरफ से कोई नोटिस जारी हुआ है। तो ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नहीं है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम की डेट अभी आगे बढ़ी है। आगे बात करते हैं जिसको लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है, वो है लॉ के एग्जाम को लेकर के। लॉ के एग्जाम किस तरीके से होंगे, ऑनलाइन के लिए भी रिक्वेस्ट मांग ली गई थी, उसमें 10,000 से ज्यादा बच्चों ने अपनी रिक्वेस्ट भेज दी कि हमें ऑनलाइन एग्जाम देना है। अब लेकिन क्लियर ये नहीं हो पा रहा है कि एग्जाम किस तरीके से होगा, कॉलेज में जाके होगा, घर से होगा, किस तरीके से होगा, तो उसमें अभी असमंजस बना हुआ है। कल भी चीजें क्लियर नहीं हुई है, हो सकता है उस पर आज डिसीजन आएगा। हाँ, कुछ चीजों पर डिसीजन आ गया है, जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे, यानी कि जो आपकी लॉ की परीक्षाएं होंगी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, तो ये चीज तो क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं कि जो यदि ऑनलाइन होता है तो फिर किस तरीके से एग्जाम होगा, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। इसको लेकर आज शायद चीजें क्लियर हो जाए, जैसे ही क्लियर होंगी जो भी डिसीजन आएगा तो उसके लिए बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो, एक एक पॉइंट को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा इसी चैनल पर, वीडियो अपलोड करूंगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अभी चीजें क्लियर नहीं हुई है किसी भी टॉपिक, मतलब किसी की बात पर भी अभी मत जाइएगा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, हो सकता है वो चीजें आज क्लियर होंगी, और जैसे ही क्लियर होंगी तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।